हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन, आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, वन प्लस ने फाइनली अपने वन प्लस 9 सीरीज को लॉन्च कर दिया है ग्लोबली और इंडिया में भी लॉन्च कर दिया है। हालांकि यहां पे तीन अलग अलग स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, वन प्लस 9, वन प्लस 9 प्रो और वन प्लस 9 आर। ये तीनों ही स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। लेकिन इस बार बता दूंगा, यहाँ पे जो तीनों ही स्मार्टफोन आपको हेजल ब्लेंड कैमरा के सेटअप के साथ में आपको ये सारे तीनों स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो कैमरा के मामले में ये स्मार्टफोन फोकस किया गया है, बाकी जो स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट आपको अलग से यानी कि पुराने वन प्लस के डिवाइस में ऑलरेडी आप देख चुके होंगे। लेकिन यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है वो थोड़ा सा अलग सा देखने को मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी तीनों फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम पहले दोनों ही स्मार्टफोन की पहले बात कर ले तो वन प्लस 9 और वन प्लस 9 प्रो की पहले डिस्प्लेस की बात कर ले तो यहाँ पे वन प्लस 9 में देखने को मिल जाती है 6.55 इंच की फुल एचडी प्रेजेंटेशन के साथ में आपको एक फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। एज कम्पेयर टू वन प्लस 8 से हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे बताने का ये सेम जैसे ही डिस्प्ले है, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो वन प्लस 9 प्रो है उसमें आपको 6.7 इंच की क्वाड एचडी प्रेजेंटेशन के साथ में आपको एक फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें सेम आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, पंच होल कैमरा डिजाइन है और यहाँ पे भी आपको 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। दोनों ही स्मार्टफोन बता देंगे बहुत ही अच्छी और अच्छी खासी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पे डिस्प्ले में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फर्क है, हम 8T से कंपेयर करें तो यहाँ पे डिस्प्ले एज यूजुअल सेम जैसी ही देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो बताएंगे यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम चिपसेट के साथ में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 888 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 5 नैनोमीटर पे बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये एक 5G चिपसेट है और यहाँ पे आपको अलग से एक थर्ड जनरेशन 5G एक मॉडेम देखने को मिल जाता है और यहाँ पे ऑक्टाकोर पावर है, एड्रिनो का 660 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में बताना चाहूंगा ये एक लास्ट वाला फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस में आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत ही अच्छा खासा प्रोसेसर है। और आपको बताना चाहूंगा पहले भी आपको शाओमी के जो फोन थे उसमें 888 वाला प्रोसेसर देखने को मिला था, लेकिन वो चाइना में लॉन्च हुआ था। लेकिन अब जाके इंडिया का ये पहला स्मार्टफोन बन जाता है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो वन प्लस 9 आर है उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 870 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वो भी आपको 7 नैनोमीटर बेस पे काम करता है, वो भी एक 5G चिपसेट है। लेकिन ये थोड़ा सा आपको लाइटर वर्जन देखने को मिल जाता है वन प्लस 9 आर, जैसे कि हम कंपेयर करते हैं वन प्लस 9 और वन प्लस 9 प्रो से। तो यहाँ पे आपको तीनों ही स्मार्टफोन में आपको फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। बात करते हैं अभी दोनों ही स्मार्टफोन की, बदलने रैम और स्टोरेज की, बदलेंगे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज और 12GB की रैम, 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको LPDDR5 की रैम की सपोर्ट देखने को मिल जाती है और UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। माइक्रो एसडी का लगने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन आपको दो दो वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा की, तो कैमरा मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे जो वन प्लस जो 9 सीरीज है उसमें मेन फोकस जो यही है कि इसमें आपको कैमरा सेटअप है वो थोड़ा सा अलग तरह का देखने को मिल जाता है। इसमें आपको हेजल ब्लेंड का जो ब्रांडिंग के साथ में यानी कि इसके कैमरा सेटअप के साथ में आपको ये कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो पहले बात करते हैं वन प्लस 9 की, तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है सोनी IMX689 सेंसर के साथ में, F1.8 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 15 मेगापिक्सल का कस्टम सेंसर देखने को मिल जाता है सोनी IMX6766 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है, जो बताना एक बहुत ही अच्छा है और ये एक अल्ट्रा वाइड लेंस है और एक कस्टम सेंसर देखने को मिल जाता है। तो आपको हेजल ब्लेंड की तरफ से आपको ये सेटअप बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम लेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 8K 4K और 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो OIS और EIS का सपोर्टिंग के साथ में। यहाँ पे ये बता देंगे 4K का आपको 120 FPS तक का सुपर स्लो मोशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो वन प्लस 9 प्रो है उसमें बता देंगे यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे भी आपको प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सोनी IMX789 का सेंसर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भी F1.8 एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 15 मेगापिक्सल का आपको बता देंगे यहाँ पे भी आपको सेम कस्टम सेंसर देखने को मिल जाता है सोनी IMX766 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है, वही सेम जो आपको वन प्लस 9 में देखने को मिला था।
तीसरा आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है, चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम लेंस देखने को मिल जाता है। तो क्वाड कैमरा सेटअप यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेटर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो टेलीफोटो लेंस है वो आपको वन प्लस 9 में देखने को नहीं मिलता। बाकी जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है वो तो सेम ही देखने को मिल जाता है, 8K 4K और 10 तक की 13 और 16 दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो वन प्लस 9 प्रो में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा, तो सेल्फी में आपको 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है सोनी IMX471 सेंसर के साथ में, जो पहले भी बतन जगह कई सारे वन प्लस के फोन में आपको ये सेंसर के साथ में आपको ये सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, F2.4 एपर्चर के साथ में HDR कैमरा है और 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जिसमें आपको EIS देखने को मिल जाता है। तो सेल्फी कैमरा मुझे लगता है कि वन प्लस ने थोड़ा सा अपग्रेड कर देते तो बहुत ही कमाल का रहता, लेकिन यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है वो भी अच्छा है, उतना बुरा भी नहीं देखने को मिल जाता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बदलते यहाँ पे आपको 4500 mAh के आपको दोनों ही स्मार्टफोन में सेम बैटरी बैकअप देखने को मिल जाती है, जिसमें बदलने को 65 वाट का वॉप चार्जिंग देखने को मिल जाता है, यानी कि 65 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है इन द बॉक्स चार्जिंग एडाप्टर के साथ में, और यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ऑक्सीजन OS 11 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ बदल का बैटरी आपको डिसेंट वाली देखने को मिल जाती है, जो पिछले वाले वर्जन से कंपेयर करते तो वो बैटरी सेम जैसे ही देखने को मिल जाती है, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बदल दोनों ही स्मार्टफोन में आपको फ्लैगशिप लेवल की कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाता है, दोनों में आपको नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कोई भी 3.5 कॉर्ड जैक देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.2 और यहाँ पे आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और वाईफाई 6 और यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमोस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन आपको फ्लैगशिप लेवल के देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस के, दोनों ही स्मार्टफोन आपको 3-3 कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे खासे कलर वेरिएंट है, लेकिन जो OnePlus 9 Pro है उसकी जो स्टार्टिंग जो प्राइस है 8GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 49,999 यानी कि 15,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा जो स्टार्टिंग प्राइस है। दूसरा जो वेरिएंट है 12GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 54,999 में यानी कि 55,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा, और यहाँ पे जो OnePlus 9 Pro है उसकी बेस वेरिएंट की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको 64,999 यानी कि 65,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा, और दूसरा 12GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस की बात करूँ तो 69,999 यानी कि 70,000 की प्राइस में फोन मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन की जो प्री ऑर्डरिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी जो शिपिंग है वो 1st of April को इसकी शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप प्री ऑर्डर कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे आपको दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे है, लेकिन जो OnePlus 9R है वो आपको थोड़ा बहुत बेटर देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू ये दोनों स्मार्टफोन, क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन अलग कैटेगरी के देखने को मिल जाते हैं। जो पुराने वाले OnePlus सीरीज को कंपेयर करते हैं तो उसके मुकाबले ये दोनों स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा आपको प्राइस में आपको एक थोड़ी बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, लेकिन ये प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो OnePlus 9R की बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 870 देखने को मिल जाता है, विथ आपको 5G देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जो कैमरा है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, हालांकि वो डिसेंट वाला कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, सोनी IMX586 का सेंसर देखने को मिल जाता है, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है, तो वो सारे आपको फीचर्स है वो नॉर्मल जो आपको कैमरा जो आपको OnePlus Nord में देखने को मिलता है वैसा सेम कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। बाकी डिस्प्ले में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है OnePlus 9R में। बाकी जो बैटरी बैकअप है और बैटरी चार्जिंग स्पीड है यानी कि जो आपको 65 वाट का फास्ट चार्जर है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, और इसकी भी प्राइस आपको बताएंगे 39,000 यानी कि 40,000 की प्राइस में शुरुआत हो जाते हैं, तो आपको थोड़े बहुत ऑफर लगाओगे तो आपको 38,000 में शायद ये फोन देखने को मिल सकता है, तो आपको वो फोन आप परचेस कर सकते हो। तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप प्री ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे तीनों ही स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करूँ तो बताऊंगा मैंने पहले ही बताया कि OnePlus 9R आप लेने लायक है, बाकी जो दो स्मार्टफोन है OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro ये थोड़े से प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अगर आप इसे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको S21 पे जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ी बहुत आपको बेटर देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू OnePlus 9, क्योंकि यहाँ पे तो बताऊंगा प्रोसेसर को छोड़ के और कैमरा को छोड़ के बाकी जो स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट आपको सारे स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगता कि अलग देखने को मिल जाता है इस दो स्मार्टफोन में OnePlus 9 और 9 Pro में। बाकी हाँ OnePlus 9R में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जैसे कि इसमें आपको जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जो कैमरा है वो तो आपको एज जो सारे OnePlus के फोन में ही
OnePlus Nord में भी देखने को मिल जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको OnePlus की 9 सीरीज कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।